गुड मॉर्निंग सभी मेरे भाई और बहनों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे एक नए वीडियो में, तो बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज मैं शुरुआत करती हूँ, सुबह सुबह ही जब बिलोना कर रही थी तो थोड़ी बहुत वीडियो बना दिया, और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो घी तो बिल्कुल गला हुआ है, लेकिन मशीन से करती हूँ, इतना ज़्यादा हाथ से करने का टाइम नहीं मिलता है। अभी खेतों में काम बहुत ज़्यादा है तो खेत में काम करना पड़ता है, पशुओं को भी देखना पड़ता है, सब करना पड़ता है, तो मशीन से कर लिया बिलोना। और अभी निकाल रही हूँ घी, ये देखिए, ऐसे मशीन को साफ कर लूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी घी और साफ अलग अलग करके बर्तनों में रख लूँगी। इस प्रकार मशीन को साफ कर लिया है अभी मैंने। और आप बने रहिए मेरी वीडियो में और बहुत ज़रूर कीजिए, अपनी बहन को सपोर्ट करना, सभी भाई और बहनों ऐसे ही प्यार सपोर्ट सभी बनाए रखें और वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखें, और हो सके तो शेयर भी कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे सपोर्ट बनाए रखने के लिए और प्यार और सपोर्ट आपका ही सब कुछ है, तो ऐसे बनाए रखिए। ये घी बिल्कुल गला हुआ है, सूटी तो नहीं बनेगी, लेकिन जैसा तैसे गढ़े हुए को मैं अलग कर लूँगी। ये देखिए ऐसे है, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज तो, बैठे हुए भी ऐसे लग रहा है जैसे आग में पिघल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और बरसात भी नहीं थी, बहुत तेज़ बादल गरजे, लेकिन बिल्कुल भी बरसात नहीं है। आप किस किस के बरसात हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, हमारे तो बरसात नहीं है, बहुत तेज़ धूप ही धूप है। और उसके बाद मैं निकली बाहर तो भैंस को पिला देती हूँ पानी, धूप तेज़ है तो इसने थोड़ा बहुत घास खा लिया है और अभी पानी पीने के लिए आ गई है, तो इसको नहलाकर पानी पिला देती हूँ। ये देखिए अभी पी रही है पानी और मैं इसको पानी डाल दूंगी और नहला दूंगी। और साथ में बकरियां भी आ गई हैं नाश करते हुए, तो भैंस को पानी पिलाने के बाद इनको भी पिलाऊंगी पानी। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत सुंदर और साफ आ रहा है, देखिए कितना सुंदर आ रहा है और इतनी ही हरियाली साफ है। ये देखिए भैंस को नहला दिया मैंने और पानी भी पिला दिया और ये दोबारा घास खाने को लग गई है और यहाँ पर बकरियाँ पी रही हैं पानी, तो इनको भी पानी पिला देती हूँ। देखिए पानी पीकर चली गई हैं बकरियाँ भी, और जाते जाते हो गई है बकरियों में लड़ाई, क्योंकि एक बकरी की सींग है, दोनों की तो सींग नहीं है, वो सींग वाली बकरी बहुत बदमाश है, इन दोनों को बहुत लड़ाई करती है इनसे और भिड़ंत भी करती रहती है सारे दिन, तो इनको जब भी ये घास खा लेती हैं उसके बाद बांधना पड़ता है, खुली छोड़ती हूँ तो इनकी सींगों से तिक्की सींग इनको सीख देती है, इतनी बहुत खतरनाक है ये। और अब सब कैसे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। देखिए इतनी तेज़ गर्मी है और मैं लगी हुई हूँ खेत में निंदान करने के लिए, तो ये देखिए ऐसा बड़ा बड़ा घास है और ऐसी पीली पीली बाजरी है, इस साल तो ज़्यादा अच्छी बाजरी नहीं है, पता नहीं बरसात थी वो अच्छी वाली नहीं थी, पता नहीं क्या है, और घास बहुत है बड़ा बड़ा, तो ये देखिए मैंने घास भी बना दिए
ली और पी रही हूँ पानी। गर्मी इतनी ज्यादा है क्या बताएं। ये देखिए आप बाजरी और घास सब दिख रहे हैं। घास को कर दिया मैंने एक साइड इकट्ठा और बाजरी को कर दिया साफ। तो इसको घास को निकालेंगे तो बाजरी भी जल्दी बड़ी होगी, क्योंकि घास इनको आगे जड़ है वो घास की जो पानी सोख लेती है तो बाजरी को पानी नहीं मिलने देती है, तभी ये बाजरी ऐसी है। और ये देखिए इस प्रकार का है घास। और अभी दोपहर के बज चुके हैं 11 और मैं आ गई हूँ वापस घर। तो कर दिए हैं बाजरी में फुहारे, सालू रजगा में। इसको बरसात नहीं है तो पानी टाइम पर पिलाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी नहीं पिलाते हैं तो ये जलने लग जाती है। जितना ज़्यादा पानी देंगे उतनी अच्छी ही ये रजगा बाजरी होती है, तो इनको पानी समय पर देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर गाय और भैंस खा रही हैं घास और यहाँ पर चल रहे हैं मेरे फुहारे। ये देखिए इस प्रकार चलती है मोटा कुमार लगे हुए बाजरी में। अभी बाज चुके हैं शाम के 9 और मैं धो रही हूँ रात को कपड़े, क्योंकि दिन में इतना काम होता है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और कपड़ा धोना भी जरूरी है, तो मैं रात में ही कपड़े धो रही हूँ। और यहाँ पर बाहर की तरफ लगा हुआ है बल्ब, थोड़ा दूर है दिख रहा है। दिन में टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत 2 बजे के बाद और 4 बजे के बीच टाइम मिलता है, थोड़ा आराम करना पड़ता है क्योंकि दिन भर इतना काम होता है तो परेशान हो जाते हैं। तभी कपड़े नहीं धोए तो अभी धो देती हूँ कपड़े।